असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए आरपीएससी के एग्ज़ाम की डेट्स की घोषणा हो चुकी है और उसी के लिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। 2014 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 2016 में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसका एक बॉटनी फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्व रेशो। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, अगणितिकी प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? देखिए, ये पाया जाता है कारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस शैवाल में अकशाबकीय सम्मंडल पाया जाता है? नॉन फ्लेजिलेटेड सिनोबिया किस शैवाल में पाया जाता है? यूडोराइना में, पेंडोराइना में, पेडियास्ट्रम में या वॉल्वॉक्स में? तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3, पेडियास्ट्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शैवालों में क्लोरोफिल ए व सी पाया जाता है उन्हें सामान्यतया क्या कहा जाता है? तो जिन शैवालों में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है उन्हें कहा जाता है क्रोमोफाइटा, उन्हें कहा जाता है क्रोमोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक एल्गी विच पजेजेस क्लोरोफिल ए एंड बी? ऐसी कौन सी प्रोकैरियोटिक एल्गी है जिसमें क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 3, प्रोक्लेरॉन। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोक्लेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज ए गुड सोर्स ऑफ ब्रोमीन? ब्रोमीन किस से मिलता है? तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है रोडोमेला। रोडोमेला से ब्रोमीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटोस्पोर्स का निर्माण किस डिवीजन का विशिष्ट लक्षण है? और इसका आंसर है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा डिवीजन जो है उसका विशिष्ट लक्षण है कि इसके अंदर स्टेटोस्पोर्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल मेड अप ऑफ एल्जिन, जो कोशिका भित्ति होती है उसकी बाहरी परत में एल्जिन पाया जाता है, किस एल्गी में इस तरह की संरचना देखने को मिलती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3, मैक्रोसिस्टिस। आंसर नंबर 3, मैक्रोसिस्टिस। दिस इज मैक्रोसिस्टिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से रोडोफाइटा के किस वंश में एक कोशिकीय सुखायक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा ऑफ रोडोफाइटा हैज यूनिसेल्युलर थैलस? यूनिसेल्युलर थैलस, वो भी किस में? रोडोफाइटा में इसने पूछा है। तो इसका आंसर होगा 3, पोरफाइरिडियम। पोरफाइरिडियम। नेक्स्ट वन इज, कशाबिकाओं का पूर्ण अभाव विशिष्ट लक्षण है, टोटल एब्सेंस ऑफ द फ्लैजिला, किस ग्रुप में फ्लैजिला बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा। रोडोफाइटा जो कि सबसे एडवांस ग्रुप है और साइनोफाइटा जो सबसे प्राइमिटिव ग्रुप है, दोनों में ही कशाबिकाएं नहीं पाई जाती, फ्लैजिला नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जापान में भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैवाल कौन सी है? तो इसका हमारे पास आंसर होगा पोरफायरा टेनेरा। पोरफायरा टेनेरा जो है उसमें उसको भोजन के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है जापान में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इसका क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप बिलोंग्स टू फाइलम स्ट्रेमियोपिला? स्ट्रेमिनोपाइला का जो सदस्य है वो है उमाइकोटा। ठीक है, उमाइकोटा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई ए फंगल जीनस फ्रॉम द फॉलोइंग रिस्पेक्टिंग आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। निम्न में से उस कवक वंश को पहचानिए जो समरूपी पीढ़ी एकांतरण का प्रतिनिधित्व करता है। समरूपी पीढ़ी एकांतरण, तो इसका एक आंसर होगा ए यूएलोमाइसिस। यूएलोमाइसिस दिस नंबर 1 नंबर इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल जेनेरा हैज मोनोप्लांटिक जूस्पोर्स? निम्न में से कौन से कवक वंश में एक चल बीजाणु पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा
मोनोप्लांटिक जूस जूस स्पोर्स, तो इसका आंसर होगा एल्ब्यूगो एवं फाइटोप्थोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल जेनेरा इज ए बायोट्रॉफ, निम्नलिखित में से कौन सा कवक वंश एक जैव पोषी है, बायोट्रॉफ है? तो इसका आंसर होगा पेरेनोस्पोरा, पक्सीनिया, एरिसाइफे, इनमें से सभी। तो ये सभी के सभी जो होते हैं ये सभी जैवपोषी होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय अ मर्कुलर फंगल माइकोराइजल फंजाई विद प्लांट्स इज नोन एज। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजल कवक जिस प्रकार के सहचर्य पादपों के साथ बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस, अविकल्पीय सहजीवन, ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस, अविकल्पीय सहजीवन इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, निम्न में से कौन से गुण के कारण अपंग फफूंदी को कवकों में रखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ स्लाइम मोल्ड प्लेस देम इन फंजाई, किस गुण के कारण ऐसा होता है कि इसे हम फंजाई में रखते हैं? तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है स्लाइम मोल्ड में, तो इसका आंसर हमारा होगा बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनिसेल्युलर स्टार्क्ड टेल्यूटोस्पोर्स विद पैपिलर थिकनिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फॉलोइंग रस्ट जेनेरा। ये अक्सर सभी को, अधिकतर बच्चों को ये आता है। तो यूनिसेल्युलर स्टार्क्ड टेल्यूटोस्पोर, पैपिली स्थूलन सहित एक कोशिकीय व्रंतयुक्त टेल्यूटो बीजाणु निम्न में से किस किट वंश रस्ट जेनेरा का लक्षण है? और इसका आंसर है यूरोमाइसीज। नेक्स्ट इज, द एक्सटेंडेड डाई कैरियोफेज इन एस्कोमाइसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, एस्कोमाइसिटीज में विस्तारित द्विकेंद्रक प्रावस्था प्रतिनिधित्व करता है, किसमें ऐसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा एस्कजन तंतु एवं एस्कस मातृ कोशिका में, एस्कोजिनस हाइफा एंड एस्कस मदर सेल में ऐसा हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग जूस्पोरिक फंजाई हैज न्यूक्लियर कैप इन जूस्पोर्स, इनमें से कौन से चल बीजाणवीय कवक के चल बीजाणुओं में केंद्र की आच्छद न्यूक्लियर कैप पाया जाता है? ब्लास्टोक्लेडियेला, एपोडेकेला, प्लाज्मोडियोफोरा या फाइटोप्थोरा। और इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 1, ब्लास्टो क्लेडेला, ब्लास्टो क्लेडेला, जिसके स्पोर्स के ऊपर न्यूक्लियर कैप प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा कवक वंश शाकभक्षी जंतुओं के आंत में अवायुजीवी के रूप में पाया जाता है? कौन कौन से हैं आपके पास ऑप्शंस हैं? ऑल्पीडियम, कोलोकाइट्रियम, न्यूकैलेमोस्टिक्स, लाइनोमाइसिस, निम्न में से कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल जेनेरा इज फॉर्म्ड एज एन एनरोब इन द गट ऑफ द हर्बिवोरस एनिमल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, न्यूकैलेमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लैम कनेक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज आर मेंट फॉर, बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैम कनेक्शंस क्यों बनते हैं? तो ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, मेंटेनेंस ऑफ डाइकैरियोफेज इन ग्रोइंग माइसीलियम। तो इसका आंसर है आंसर 4, मेंटेनेंस ऑफ डाइकैरियोफेज इन ग्रोइंग माइसीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डाइपोकोलिनिक अम्ल का एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख घटक है, किस प्रकार के बैक्टीरिया में डाइको
डाइपोकोलिनिक अम्ल पाया जाता है। किस प्रकार के बैक्टीरिया में पाया जाता है? एंडोस्पोरिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम लाइसोजाइम्स अटैच विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के किस भाग पर अटैक करता है? तो किस भाग पर अटैक करता है? नैम एंड नैग शुगर जोड़ने वाले बंधों के ऊपर ये अटैक करता है। तो नैम एंड नैग शुगर को जोड़ने वाले बंधों पर। नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया में सामान्य क्लोरोफिल से भिन्न 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 निम्न में से कौन से वर्णक अणु पाए जाते हैं? सामान्य क्लोरोफिल के अलावा क्या पाया जाता है? फियोफाइटिन, फाइकोबिलिन्स, जेंथोफिल्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या आंसर आएगा भाई? फाइकोबिलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन से गुणों में आर्किया दूसरे जीवाणुओं से भिन्न है? आर्किया आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर? साइज एंड शेप, फ्लेजुलर फंक्शन, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और प्रोकैरियोटिक नेचर। तो इसमें हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर 3, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर।